तो निकाह पे रोई थी या फेक थी? मैं मेहंदी में रोली थी। वो देखिए नजर आ रहे हैं बीच में जैन, वो रहे निकाह पढ़ाया था आसिफ कासमी साहब ने, चाचा है मेरे, फिर अच्छा हाँ आमिर कासमी, फिर अच्छा चाचा थे। तो वो निकाह पे जो है वो एक होता है ना कि अक्सर तुम बता रही थी कि आवाज नहीं निकल रही थी, फिर उन्होंने बोला कि आप नहीं, ये शर्मा के यात्रा जी कबूल है। हाँ। तो आशीष जान ने कहा कि थोड़ा और जोर से बोल दो भाई ताकि सब सुन ले। हाँ। खुशी खुशी हाँ कबूल है, थोड़ा और तो उन्होंने जोर से बोला कबूल है। अब हुआ नहीं, अब हुआ नहीं। तो जान लगा के बोलो। तुम जो मेहंदी में रोली थी शादी में, नहीं रोई थी, और जब हमारी मेरी रुखसती हो रही थी उस वक्त बताना ना, अभी तो हम रुखसती अच्छा, हाँ, पहुंचे ही नहीं ना। ठीक है ठीक है। सस्पेंस। अब ये होता है कि एक अच्छा। मतलब अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि या तो निकाह के बाद, रुखसती के बाद फोटोग्राफी होती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे दुल्हन तैयार हो क्या, सबसे पहले दुल्हन पहले फोटोशूट होता है, फोटोशूट। हाँ, तो आप पहले होता है। जिस जमाने में आप लोगों की शादी हुई थी, हमारा जमाना बाप मतलब लाइक अब 10 साल पहले की भी अगर बात करते हैं, तो छोटा सा मुझे याद नहीं। अलग अलग फैशन होता है फोटोग्राफी का, वो कुर्सी पे बैठ के और वो। अच्छा मैं बताऊं आपको, जब मैंने ये सारा कुछ किया था और ये सेटअप किया था, जैसे शीशे का स्टेज लगाया था, फर्स्ट टाइम हुआ था। स्पॉटलाइट एंट्री, अच्छा अच्छा, एंट्री जो कराई थी स्पॉटलाइट में, इनकी जो डोली आई थी, इस तरह से जिस तरह बग्गी में आए थे, साइड में आगे आर्मी बैंड था, साइडों में रेंजेस वाले, पूरा एक हाई फाई किस्म का वो था, मैनेजमेंट के लोग पूरा ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल्स है ना। और स्टेज पे कोई आ नहीं सकता था क्योंकि आगे सारे वो खड़े हुए थे। अच्छा गार्ड थे। अच्छा आपको, आपके अंदर ये कैसी सेंस आई थी, मतलब आपका कोई ऐसा था, कोई प्रैक्टिस थी कि मैं इसको ऐसे अरेंज करूं? आपने कभी कोई शोज वोज अरेंज किए थे? मैंने बहुत इवेंट्स अरेंज किए और करता हूं आज भी। अमेरिका में करते थे ना? अभी जो दुबई में बीइंग ह्यूमन का किया था, पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्ट लेकर गया था मैं, जिसमें इंडिया के सारे स्टार से मैच हुआ था कोई 7-8 साल पहले। अच्छा, बहुत करता था इवेंट्स। आपको शादी, अपनी शादी के वक्त आपको थोड़ा एक्सपीरियंस था इन चीजों का ना? मैंने बहुत इवेंट्स किए नदीम जे के साथ, शुरुआत मैंने किए थे इवेंट्स। नदीम जे तो बड़ा काम करते हैं। जी 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 जी। मैंने माई कराची किया था, कीप 2000 किया था, आइडियाज बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। भूल जाओ सब कुछ। क्यों, क्या सब माया? हाँ, जब से लाइफ में लगुना आया, बस 10 फरवरी से पहले अपने एयर वाई लगुना फॉर्म वेरीफाई करवाओ। अच्छा? और हर फॉर्म पे 1 लाख डिस्काउंट कमाओ। अब मिलेंगे एयर वाई लगुना के हर वेरीफाइड फॉर्म पे 1 लाख रुपए, और पाकिस्तान में पहली बार 1% पर मंथ पेमेंट प्लान। याद रहे, हर वेरीफाइड फॉर्म होगा ट्रांसफरेबल। मजीद मालूम के लिए विजिट करें www.arylaguna.com। ARY लगुना, ये है कराची।